यूरोप में बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी के बीच मौजूद ये छोटा सा देश कई पैरामीटर्स में दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इकोनॉमिक कंट्री है। लक्जमबर्ग की जीडीपी पर कैपिटा वर्ल्ड में हाईएस्ट है, करीब 1,33,000 यूएस डॉलर, मतलब इंडिया से करीब 60 गुना ज्यादा और अमेरिका से करीब डबल है अकॉर्डिंग टू IMF लेटेस्ट डेटा, जहां इन एवरेज प्रति व्यक्ति की मंथली इनकम है 5 लाख रुपए। जीडीपी पर कैपिटा मतलब देश में प्रति व्यक्ति के हिसाब से आर्थिक उत्पादन। 19th सेंचुरी तक ये देश बहुत ही गरीब था, 80% पॉपुलेशन खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे। तो आखिर पिछले 150 सालों में इस देश ने ऐसा क्या किया जिससे ये आज वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री बन गया है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी पर कैपिटा। क्या इंडिया भी इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके एक डेवलप्ड नेशन बन सकता है? आइए पता करते हैं। इस देश में ना बहुत सारी बड़ी इंडस्ट्रीज है और ना मिडिल ईस्ट जैसा कोई बड़ा नेचुरल रिसोर्सेस मौजूद है। यहाँ ज्यादातर लोग नॉर्मल जॉब करते हैं। तो आखिर कैसे यहाँ पे प्रति इंसान से होती प्रोडक्टिविटी यानी जीडीपी पर कैपिटा इंडिया से 60 गुना ज्यादा है? इसका कारण है इनकी सिलेक्टिव हाईली प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज। लक्जमबर्ग एक बहुत ही छोटी कंट्री है जहाँ सिर्फ 6.4 लाख लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज नहीं है दूसरे रिच कंट्रीज की तरह। यहाँ मेनली 3 इंडस्ट्री है, बैंकिंग, स्टील प्रोडक्शन एंड टूरिज्म। पर ये 3 इंडस्ट्री तो हर कंट्रीज में है, तो इनके यहाँ क्या खास बात है? देश के जीडीपी में से सबसे बड़ा हिस्सा बैंकिंग सर्विसेज से आती है। सन 1929 से 2010 तक लक्जमबर्ग एक टैक्स हेवन कंट्री था स्विट्जरलैंड की तरह। दुनिया भर से रिच लोग अपने ब्लैक मनी को यहाँ छुपाते थे और इससे लक्जमबर्ग ने बहुत पैसा कमाया, जस्ट लाइक स्विस बैंक्स। कई हिस्टोरियंस का कहना है कि लक्जमबर्ग की इकोनॉमिक सक्सेस के पीछे मेन कारण है 1929 में बनी ये टैक्स अवॉइडेंस एक्ट। पर यूरोपियन यूनियन के मेंबर होने के कारण 2009 में G20 एग्रीमेंट में इसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया इस अनइथिकल बैंकिंग प्रैक्टिसेस के लिए, जिससे इनके इकोनॉमी में इफेक्ट पड़ा। फिर 2010 को गवर्नमेंट ने अपने टैक्स लॉस में पूरी तरह से बदलाव किया और अब ये एक ट्रांसपेरेंट बैंकिंग कंट्री है। पर फिर भी लक्जमबर्ग ने अपने बैंकिंग इंडस्ट्री को पूरी तरह से इवॉल्व कर लिया है। रिच पीपल और कंपनीज के लिए लक्जमबर्ग स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है बेहतर फाइनेंशियल सर्विसेज के कारण। पहला रीजन है लक्जमबर्ग यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। यूरोपियन यूनियन 27 कंट्रीज की एक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन है। इन 27 देशों में मौजूद कंपनीज आपस में फ्री ट्रेड कर सकते हैं। इन्हें आसानी से लोन दिया जाता है और बहुत सारी स्पेशल सुविधाएं मिलता है जैसे लीगल एंड टैक्स एडवांटेजेस। इसलिए अगर कोई बिजनेसमैन या कंपनी अगर लक्जमबर्ग में अपना हेडक्वार्टर बनाता है तो उसे कई स्पेशल सर्विसेज मिलता है जो दूसरे देश नहीं दे सकते, इवन स्विट्जरलैंड भी नहीं, क्योंकि वह यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। दुनिया भर के मल्टीनेशनल कंपनीज जो यूरोप में बिजनेस करना चाहते हैं वो लक्जमबर्ग के बैंकों में खाता खुलवाते हैं और यूरोप में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कारोबार करते हैं। हर साल ये बैंक्स देश के जीडीपी से 12 गुना ज्यादा एसेट्स मैनेज करती है। यहाँ सभी लैंग्वेजेस में सभी तरह की कंपनीज को बेस्ट सर्विसेज दिया जाता है मोस्ट एक्सपीरियंस्ड बैंकर्स के द्वारा। यूरोपियन यूनियन का इन्वेस्टमेंट बैंक जो सभी कंपनीज को लोन प्रोवाइड करती है उसका हेडक्वार्टर भी लक्जमबर्ग में है। इस छोटे से देश में 155 डिफरेंट बैंक्स है जो 27,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है हाई सैलरी के साथ। लक्जमबर्ग की इकोनॉमिक हिस्ट्री में सबसे बड़ा इवेंट था 1876 में, जब स्टील प्रोसेसिंग मेथड यहाँ सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ और उसी दौरान मिनिएट नाम का एक लो क्वालिटी स्टील यहाँ डिस्कवर हुआ। इसके बाद कई स्टील इंडस्ट्री यहाँ बनने लगी और जल्द ही लक्जमबर्ग दुनिया का वन ऑफ द मेजर स्टील प्रोड्यूसर बन गया। पर 1970s और 80s में ये इंडस्ट्री गिरने लगी दूसरे देशों में न्यू स्टील प्रोड्यूसर्स बढ़ने से और एनर्जी कॉस्ट बढ़ने के कारण। पर फिर भी आज यहाँ सिर्फ हाई वैल्यू स्टील मैन्युफैक्चर किया जाता है आर्सिलर कंपनी के द्वारा, जिसे 2006 को लक्ष्मी मित्तल ने टेक ओवर कर लिया था, जो आज वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है। 10% ऑफ वर्ल्ड्स एंटायर स्टील यहाँ से प्रोड्यूस होती है। यहाँ की 8.3% जीडीपी टूरिज्म से आती है। लक्जमबर्ग बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ के सुंदर नजारों के लिए इसे ग्रीन हार्ट ऑफ यूरोप कहा जाता है। टूरिज्म इंडस्ट्री में 25,000 लोग काम करते हैं, जो 11.7% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट है। देश की पॉपुलेशन से 1.5 गुना ज्यादा टूरिस्ट यहाँ हर साल घूमने आते हैं, करीब 9 लाख टूरिस्ट एवरी ईयर। भले ही इस देश में बिलियनियर्स कम है पर दुनिया भर के बिलियनियर्स अपना पैसा यहाँ जमा रखते हैं बिकॉज ऑफ लो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स एंड नो कैपिटल गेन टैक्स। जहाँ इंडिया में कॉर्पोरेट इनकम टैक्स 25-30% है, अमेरिका में 21% है, लक्जमबर्ग में CIT 15-17% है सिर्फ।
इसलिए गूगल अमेजोन जैसे बिग कंपनीज की यूरोपियन हेडक्वार्टर लक्जमबर्ग में है। इस देश के बैंक्स बिलियनियर्स की $4 trillion से ज्यादा एसेट्स मैनेज करती है। अकॉर्डिंग टू OECD स्टैटिस्टिक्स इन एवरेज लक्जमबर्ग में लोग $75,000 पर एनम कमाते हैं, यह महीने का करीब 5 लाख रुपए, जो कि अमेरिका और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज से भी ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू यूरोस्टैट लक्जमबर्गर्स आर द रिचेस्ट पीपल इन यूरोपियन यूनियन। इस देश के पास प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज है और पॉपुलेशन बहुत ही कम, इसलिए अपने लोगों को ज्यादा सैलरी दे पाते हैं। लक्जमबर्ग बहुत ही एक्सपेंसिव जगह है, इसलिए यहाँ सिर्फ अमीर लोग ही रह पाते हैं। पर यह बैंकिंग, स्टील इंडस्ट्री और टूरिज्म तो हर कंट्री में है, तो क्या सिर्फ इसी के कारण यहाँ का GDP पर कैपिटा अमेरिका से डबल हुआ है? यहाँ एक ट्विस्ट है। देखिए, GDP पर कैपिटा मतलब कंट्रीज एंटायर इकोनॉमिक आउटपुट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन। लक्जमबर्ग में सैलरी बहुत ही हाई है, पर एम्प्लॉयबल पॉपुलेशन काफी कम है और जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा। इसलिए नेबरिंग कंट्रीज से हर दिन करीब 2 लाख लोग या 46% ऑफ कंट्रीज वर्कफोर्स यहाँ आकर जॉब करके वापस अपने देश चले जाते हैं और लक्जमबर्ग की GDP को बढ़ाते हैं। तो टेक्निकली इनकी इकोनॉमिक आउटपुट को तो GDP में कैलकुलेट किया जाता है, पर इनको काउंट नहीं करते बिकॉज दे आर नॉट रेसिडेंट ऑफ लक्जमबर्ग। तो इन्हें अगर कैलकुलेशन में लाया जाए तो देश के GDP पर कैपिटा काफी कम हो जाती है, करीब $1 lakh, जो कि फिर भी काफी हाई है। दुनिया में ऐसा दूसरा कोई देश नहीं है जहां हाफ ऑफ द वर्कर्स दूसरे देश से रोज आते हैं। मतलब प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज एंड लेस पॉपुलेशन मेन रीजन है यहां के हाई GDP पर कैपिटा के लिए। अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला होगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे और कंटेंट्स देखने के लिए आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। जय हिंद।